मैं पूजा शाली नौशेरा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए देखें यहाँ से। बिल्कुल ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये वो सिविलियन एरियाज हैं, आबादी है यहाँ पे, काफी लोग रहते हैं। लेकिन क्यों मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे हर घर में एक डर का माहौल भी है, बच्चे रहते हैं और यहाँ पे शेलिंग होती है पाकिस्तानी साइड से, यहाँ फाइटर जेट्स दिखे हैं उनको सुबह। तो देखिए ये सिविलियन एरियाज हैं, इतने लोग हैं यहाँ पे। तो हमने उस परिवार से बात करने की कोशिश की जहाँ बच्चे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देखिए ये इस मुस्कुराहट में भी किस तरह से अपनी बहादुरी वो दिखाते हुए हैं। आप हमें बताइए, आप यंग मदर हैं, आपके छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, तो किस तरह आपने कुछ देखा यहाँ पे, शेलिंग हुई, कोई जेट्स देखे? हाँ, सुबह देखा है, ऐसा गिरा वो। हाँ, कितने कितने प्लेन दिखे होंगे? दो दिखे हैं, एक का कह रहे हैं जो क्रैश हुआ, कुछ चमक सी आई है लाइट जो गिरा जब। अच्छा, लाइट से पड़ रही थी, उनकी दादी ने देखा तो वो बता रहे थे, बोले देखो देखो क्या हो रहा है। तो शेलिंग होती है रात को यहाँ पे? हाँ, किस तरह से आवाज आती है, ब्राइट होता है? हाँ, मतलब जोर जोर से गोले पड़ते हैं जब, तो तभी मतलब रात को जब पड़े हैं तो लाइट भी बंद होगी एकदम से तभी, तो उसके बाद मतलब जब पड़ रहे थे उसके बाद भी पड़े हैं कुछ, तो ऐसे चमक सी लग रही थी। तो क्या कहते हो आप बच्चों को इस टाइम पे, छोटे बच्चे हैं जब वो डर जाते होंगे, तो किस तरह से आप उनका हौसला बना के रखते हो? कहते हैं कि अंदर छुप जाओ, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे भी पड़ जाए, तो ऐसे मर जाएंगे हम सभी, अंदर चलो तो कोई तो बच जाए। हाँ, तो आप तो बहादुर बच्चे हो, आप तो नहीं चला रहे थे उस टाइम। अच्छा, साइकिल चला रहे थे उस वक्त भी? और तो उस वक्त डर तो नहीं लगा आपने? क्या कहा आपने उस वक्त मम्मा को? कितने एयरप्लेन्स दिखे आपको सुबह? कितने? तीन दिखे थे। अच्छा, और फिर आवाज भी आती है किसी तरह की शाम को जब आप टीवी देख रहे होते हो? डर जाते हो कभी कभी? नहीं डरते हो? वेरी गुड, आप तो बहुत बहादुर बच्चे हो। आप बेटा किस तरह से आप अपने छोटे भाई बहनों को कुछ बोलते हो, कुछ समझाते हो? अच्छा, बस बैठ जाओ। चलो, सब बड़ी बहन की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए शांति है यहाँ पे, लेकिन किस तरह से एक परिवार को भी मैनेज करना होता है। यही मकान है, खुले में जब ये लोग रहते हैं तो अंदर आ जाते हैं। आंटी आइए आपसे, अगर थोड़ा सा एक शाइनेस भी है, लेकिन इन लोगों से जब मैंने ऑफ कैमरा बात करी, सबका यही कहना है कि देखिए जो सरकार कर रही है वो उनको करना है, लेकिन यहाँ बैठ के नौशेरा में सेक्टर में जो बिल्कुल बॉर्डर के बगल में है, हम कहाँ तक चलते हुए आए और इतनी दूर हम जब पहुँचे, यहाँ आके आपको पता लगता है कि किस तरह से बहादुरी मुस्कुराहट के साथ इस परिवार के साथ हमने भी वो पल बिताए। और हम आशा यही करेंगे सब सेफ रहे और शांति रहे, लेकिन याद रखिएगा जब भी जंग की बात होती है ये परिवार है जो लिटरली देखते हैं उस शेलिंग को और ब्रेस करते हैं उसको दिन और रात। नासिर के साथ नौशेरा सेक्टर, बाय बाय कर दो।